गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। इट्स योर EVS क्लास, प्लीज़ ओपन योर EVS बुक्स। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 6 फूड वी ईट है जो लास्ट वीडियो में 21 नंबर पेज तक किया था, आज हम 22 नंबर पेज से स्टार्ट करेंगे। नाउ स्टार्ट वाटर। वाटर क्या? पानी। अवर बॉडी नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर। हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। वाटर हेल्पस अस डाइजेस्ट द फूड वी ईट। वाटर किस में हेल्प करता है? फूड को डाइजेस्ट करने में। इट हेल्पस अस इन रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम अवर बॉडी। पानी है जो वो हमारी हेल्प करता है किस में? अनडाइजेस्टेड फूड है जो उनको रिमूव करने में, उसको रिमूव करने में, बाहर निकालने में। वी शुड ड्रिंक ऑफ दिस 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हम सभी जो है वो कितना पानी पीते हैं? 6 to 8 ग्लासेस डेली। हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक एवरी डे। आप कितने ग्लास दिन में पानी के पीते हो? आपने जहाँ पे स्टूडेंट्स राइट करना है। कुकिंग फूड, भोजन, पका हुआ भोजन। वी कुक मोस्ट ऑफ द थिंग्स बिफोर वी ईट देम। हम कुछ थिंग्स को कुक करते हैं खाने से पहले। सम वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, रेडिश, टमाटोज एंड फ्रेश फ्रूट्स कैन बी ईटन रॉ। कुछ जो वेजिटेबल्स हैं उनको हम कच्चा भी खा सकते हैं, पकाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि कैरेट है, रेडिश है, टमाटोज है और कुछ फ्रेश फ्रूट्स होते हैं जो उनको हम कच्चा खाते हैं। पीपल हु डू नॉट ईट फिश, एग एंड मीट आर कॉल्ड वेजिटेरियन। जो लोग होते हैं फिश और एनिमल कोई भी एग्स वगैरह नहीं लेते उनको क्या कहते हैं? वेजिटेरियन। पीपल हु ईट फिश, एग्स एंड मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। जो लोग है जो फिश, एग और मीट खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉन वेजिटेरियन। वी मस्ट ईट अ बैलेंस्ड डाइट एट रेगुलर इंटरवल्स। हमें सभी को अपने खाने का जो बैलेंस बना के रखना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए ताकि हम हेल्थी रह सकें और हमारा जो वर्क है कर सकें। सो स्टूडेंट्स, नाउ योर लेसन गेट कम्प्लीट, देन टमोरो आई विल यू सेंड अ PDF ऑफ बुक वर्क एंड नोट बुक वर्क। प्लीज़ डन योर वर्क प्रॉपरली। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।